नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे कुछ गलत से रिलेटेड में। आप भाइयों ने कुछ कमेंट किया तो मैं शॉर्टली तरीके से एकदम आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हर रोज नए टॉपिक पर वीडियो आते रहते हैं, जिससे आपको जब भी विदेश जाएँ तो ये जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। तो साथियों, आज अपन शुरुआत करते हैं कुवैत से रिलेटेड। एक भाई ने क्वेश्चन किया है, सेम भाई बोलते हैं, सर पीसीसी कहाँ से करवानी होती है और हाउस ड्राइविंग का वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है, प्लीज़ रिप्लाई मी। भाई देखिए, पीसीसी आपको पासपोर्ट ऑफिस से आपको करवानी होती है फर्स्ट में, ठीक है, और उसका आप ड्राइवर का वीज़ा आने में कम से कम कुवैत का थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मिनिमम मेरे हिसाब से 3 महीना आप मान के चलिए, ठीक है भाई। आगे अफजल अब्बासी बोलते हैं, सर मैं कुवैत से एग्जिट आए हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? भाई देखिए, कुवैत से अगर आप एग्जिट आए हो तो बिल्कुल 6 महीने बाद आप दोबारा अप्लाई कीजिए, आपका वीज़ा आप आ सकता है। आप दुबई दुबई कतर या आप अगर कुवैत भी आप सेम कंट्री में जाना चाहें तो दोबारा से जा सकते हो, आप पे कोई बैन नहीं लगेगा, ठीक है भाई। शौकीन खान बोलते हैं, सर मैं एसी मैकेनिक हूँ, कुवैत में स्कोप क्या है? भाई देखिए, अदर कंट्री में कोई चले जाओ, इंडिया में अगर एसी का स्कोप है जॉब का तो इंडिया से तो 18-20 गुना वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इंडिया में तो एक घर में एक एसी भी मुश्किल से मिले, वहाँ तो एक घर में 4 एसी होती है, जितने भी लोग होते हैं हर कमरे में एसी होती है, तो एसी का स्कोप अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कंट्री आप जाके इंटरव्यू दे के जो भी है आपके पास डिप्लोमा उस हिसाब से आप जा सकते हो, स्कोप उसमें अच्छा है। एक भाई बोलते हैं, संधू लादी बोलते हैं, भाई मैं 6 ईयर से कुवैत में हूँ, 70,000 कम नहीं है मंथली। एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें लगभग मैंने 40-50 हज़ार रुपये सैलरी बताई थी, इस भाई ने 70,000 रुपये ये बता रहा है मैं कमा रहा हूँ 6 साल से है। ये उन लोगों को भी मेरा कमेंट का आंसर रहेगा जो 2-4 लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ तो 20,000 ही नहीं बचते, 30,000। भैया आपके हो सकता है कमाने की आपकी नीयत नहीं होगी, या आप काम कम करते होंगे, या काम करना नहीं चाहते, तो वो आपका रीज़न है। इस भाई ने 70,000 बताया भैया, तो पैसा तो है कतर में, सॉरी कुवैत में, अब कमाओ कि नहीं कमाओ वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी आज़ाद वीज़ा में तो लोग लाख रुपए महीना भी कमाते हैं, अब आप नहीं कमाओ आपकी मर्जी है, कमेंट करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करो ताकि 2 रुपये कमा लो, ठीक है भाई। अजहर अंसारी बोलते हैं, सर मैं कुवैत में रहता हूँ, विजिट वीज़ा से वाइफ या फैमिली को बुलाने के लिए कितनी बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए? भाई आप कुवैत में रहते हो, विजिट वीज़ा से अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो, तो उसमें सैलरी का कोई इश्यू नहीं है। सैलरी का क्या है इशू? आप कुवैत में, आप कुवैत में क्या अमेरिका जाओ घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुवैत का कोई इशू नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आप उनको विजिट में बुला सकते हो, जब विजिट खत्म होने को हो तो वापस भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहेगी। बीवीसी बोल रहे हैं, सर सोन वीज़ा के लिए क्या क्या फ़ायदे और कितने का है? भैया सोन वीज़ा के 2 इंपॉर्टेंट फायदे, पहली बात तो कुवैत का सबसे बड़ा वीज़ा है सोन, ठीक है, दूसरी बात आज़ाद वीज़ा है, पासपोर्ट जेब में रहेगा, अगर आपको वहाँ का नॉलेज है तो आप अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हो, आज़ाद वीज़ा है मेन चीज़ इसमें यह रहेगी। और इसमें आपने पूछा कितने का है, तो भैया लगभग एवरेज 3.5 लाख के करीब सोन का वीज़ा पड़ता है, सबसे महंगा वीज़ा है भाई ये। अब्दुल कलाम बोलते हैं, सर कुवैत जाना है ECNR पासपोर्ट से, बस 10वीं की मार्कशीट फेल की है तो क्या ECNR पासपोर्ट बन जाएगा? देखिए भाई, 10वीं की मार्कशीट आपके पास फेल की है इसका मतलब आप 9वीं पास हो, और 9वीं पास में ECNR पासपोर्ट नहीं बनता, 10वीं पास की मार्कशीट इसमें लगती है। आगे भाई बोलते हैं, सैयद अप्रूफुल्ला बोलते हैं, सर कुवैत में इंजीनियर का जॉब करने के लिए क्या सर्टिफिकेट पे अटेस्टेड कराना पड़ेगा क्या सर? देखिए भाई, अगर आपके पास सर्टिफिकेट किसी भी आपने संस्था से इंजीनियर कॉलेज से आपने किया है तो वो एक डिग्री है, डिग्री पे पहले से अटेस्टेड किया हुआ होता है, ठीक है, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप कोई फेक बनाते हो तो उसमें तो फिर आप अपने तरीके से सोचना पड़ता है। बाकी डिग्री मान लीजिए इंडिया में राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने BA कर लिया तो वो डिग्री है, उसको अटेस्टेड करवाने की कहाँ ज़रूरत है, फोटोकॉपी लगाते हो वो अलग इश्यू, ओरिजिनल दिखाते हो तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्सी राजपूत बोलते हैं, सर ड्राइवर के लिए कुवैत में कैसा है, प्लीज़ रिप्लाई मी। देखिए भाई, कुवैत में ड्राइवर का इंडिया से डायरेक्टली कोई वीज़ा नहीं आता, वो दुबई वाला सिस्टम, वहाँ जाओ आप लाइसेंस बनवा सकते हो, डायरेक्टली कोई कुवैत का इंडियन लाइसेंस से आप नहीं जा सकते। प्रवीण कुमार बोलते हैं, कुवैत के लिए कौन सी मेडिकल कराना चाहिए? भाई कुवैत के लिए पहले एक नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है, जिससे 1,000-1,200 रुपये लगते हैं, उसके बाद गमका मेडिकल होता है, उसका 6,000 रुपये लगता है, तो इसके लिए गमका मेडिकल वैलिड होता है, बाकी मेडिकल वैलिड नहीं होते। सुखदीप बोलते हैं, सर कुवैत के वीज़ा पर कितना खर्चा आता है और परमिट वीज़ा पर कितनी उम्र चाहिए कम से कम? अब कुवैत मेडिकल रेट क्या चल रहा है बताएं प्लीज़। तो भाई मैं आपको बता दूं, कुवैत का 3 तरह के वीज़ा हैं, तो वो वीज़ा के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना खर्चा आता है। मैंने वीडियो बना रखा है तो आप मेरा वीडियो आप जाके सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 21 साल से स्टार्टिंग है कुवैत का,
ठीक है भाई। और आपने दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये किया मेडिकल रेट क्या चल रहा है, तो भैया कुवैत का मेडिकल 6,000 रुपये लगता है गम का, ठीक है। ये आपके तीनों के आंसर आपको दे दी। अगर उम्र 46 ईयर्स हो तो क्या कुवैत का वीज़ा मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, कंपनी दे या ना दे, आज़ाद वीज़ा ले लो खादम सोन का तो आपको वीज़ा मिल सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। संडे डांडा बोलते हैं सर कुवैत के वीज़ा के लिए 4 लाख बोल रहा है, जिसमें उसका भाई पहले से कुवैत में है, काम दिलाने के लिए बोल रहे हैं, 200 दिनार की सैलरी बोल रहे हैं, क्या करें? भैया देखिए आज़ाद वीज़ा है, आप आज़ाद वीज़ा में जा रहे हो 4 लाख रुपए देके, पहले तो थोड़ा पैसा ज़्यादा है, 50,000 डाउन करें, 3.5 तक करें, उसके बाद आज़ाद हो गए तो तनख्वाह किस बात की? आज़ाद वीज़ा का मतलब है आप जहाँ मर्जी काम करो, 200 दिनार में भैया क्या करोगे? 200 दिनार तो बहुत कम है, 100-125 दिनार तो कंपनी दे देती है, 200 दिनार में फायदा नहीं है। आज़ाद वीज़ा में आप वैसे का आप थोड़ा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा इसमें कमा सकते हो, क्योंकि लेबर में 8 से 10 दिनार मिलती है, तो महीने की 300 दिनार तो वही हो जाती है लेबर में। अगर आप ट्रेड में काम करोगे तो अच्छा पैसा 15 दिनार के करीब 450-400 दिनार कमा सकते हो, डबल, समझ रहे हो। तो ये थे साथियों आप कुवैत से रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन किए एकदम शॉर्टली तरीके से मैंने आंसर दे दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाले टाइम में आपको सही वीडियो सही जानकारी मिल सके। जय हिंद।